लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से दोनों लोकसभा क्षेत्रों के सभी प्रभारी नोडल अधिकारियों एआरओ आरओ की बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जैन नालीकर ने सभी बूथों पर पंखा, पानी, शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने स्वीप कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जाए तथा मतदाताओं को ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जाए कि मतदाता अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मंडलायुक्त ने कहा कि पिछले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर मत प्रतिशत कम रहा, अधिकारी वहां स्वयं जाकर मतदाताओं से कारणों को जानते हुए उनके मतदान के लिए प्रेरित करें। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। इस अवसर पर आईजी जेएन सिंह ने कहा कि मतदाताओं को सहूलियत देने के लिए आयोग के दिशा निर्देशानुसार पोलिंग बूथ से 200 मीटर पहले वाहनों को लाने के संबंध में विचार किया जा रहा है, जिससे कि मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक आने में सुविधा हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग वोटरों को लाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों, स्काउट, एनसीसी, एनएसएस आदि की सहायता ली जाएगी और दिव्यांग वोटरों को बिना लाइन में लगे मतदान देने की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही हर मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर भी उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त मतदेय स्थलों पर पानी एवं छाया की भी व्यवस्था कराया जाएगा। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष अमित सिंह बंसल, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम सिटी आरके सिंह सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आईजी जेएन सिंह ने बताया। आदरणीय सीडीओ सर, यहाँ पर उपस्थित सभी एस पी साहबान, एडीएम साहबान, जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी हमारे भी आ गए हैं और अब निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा के लिए दो आयो साहबान 64 में डीएम सर और 67 में जांच के लिए स्क्रूटनी के लिए 30 अप्रैल का दिनांक निर्धारित है और नाम वापसी के लिए 2 मई का दिनांक निर्धारित है। मतदान 12 मई को हो रहा है सर। मतगणना समिति में आरओ गोरखपुर अपने न्यायालय में नामांकन रिसीव करेंगे। अधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में नामांकन पत्र ग्रहण करेंगे। गोरखपुर की वासगांव अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। गोरखपुर विधानसभा में उप जिलाधिकारी कैंपियरगंज का क्षेत्र, उप जिलाधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी सहजनवा और बंदोबस्त अधिकारी अपर नगर मजिस्ट्रेट का क्षेत्र आता है और बांसगांव में उप जिलाधिकारी चौड़ी चौरा, उप जिलाधिकारी बांसगांव, उप जिलाधिकारी चिल्लू पार्क और इसके अतिरिक्त सर देवरिया की 2 विधानसभाएं हैं, उप जिलाधिकारी रुद्रपुर और उप जिलाधिकारी बैराज। सर 2157 मतदेय स्थल है सर, 982 मतदेय केंद्र है। बांसगांव में सर 1277 मतदेय स्थल है और 783 मतदान केंद्र है। रुद्रपुर और देवरिया की जो बढ़च यहाँ पर विधानसभाएं लगी हुई है सर, उसमें 709 मतदेय स्थल और 451 मतदान केंद्र है। खजरी में 436 मतदेय स्थल और 288 केंद्र है सर और पोलिंग स्टेशन 2870 है। डाक मतपत्र जारी होगा सर। यहाँ पर कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की जो है चुनाव संदर्भ में बैठक की गई, जिसमें विशेष रूप से कैसे लाइन ऑर्डर और इसके अलावा जाते हैं वोटिंग परसेंटेज चुनाव के समय जाते हैं बढ़ाया जाए, इस पर जो है गहन समीक्षा की गई। विशेष रूप से ये बात आई जाते हैं कि इस बार जाते हैं लोगों को ये प्रयास किया जाएगा जाते हैं कि बूथों तक जाते हैं पहुंचने में जो है कोई दिक्कत ना हो। गाड़ियों का संचालन भी इस रूप में जाते हैं कि प्राइवेट वाहन अगर बूथ तक ले जाना चाहें जाते हैं उस संदर्भ में जाते हैं ये निर्देश दिया गया जाते हैं कि लोगों को असुविधा ना हो। और ये भी इस बार व्यवस्था की जाएगी कि बूथों पर जाते हैं जो वाहन आते हैं जाते अपना जो है उनके पार्किंग की भी व्यवस्था जाते हैं कुछ जनपदों में की गई है जाते हैं उसके तहत जो है गोरखपुर में भी की जाए, जिससे ज़्यादा ज़्यादा लोग जो है अपने प्राइवेट वाहन से अगर आना चाहें जाते हैं तो उसमें पुलिस की तरफ से कोई जो है दिक्कत न की जाए।
बाजार के संदर्भ में भी ये प्रयास रहेगा जाते हैं कि आना जो बेसिक एमेंटीज के जो दुकान है अगर खोलना चाहें जाते हैं तो उस संदर्भ में भी जाते हैं, पुलिस की तरफ से कोई रोक नहीं होगा। तो लाइन ऑर्डर के साथ साथ कैसे जाते हैं वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में जो है मेरे द्वारा और आयुक्त गोरखपुर द्वारा जाते हैं यहाँ के अधिकारियों द्वारा जाते हैं इस संदर्भ में विचार विमर्श किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि अपना जाते हैं यहाँ पर जाते हैं जो प्रक्रिया जो है परसों से शुरू हो रही है और पूरी प्रक्रिया जाते हैं शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी और वोटर्स को भी जो है इस बार किसी रूप में जाते हैं यहाँ दिक्कत न हो जाते हैं इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी।